नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। मध्य प्रदेश के नीमच जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर ग्राम भादवा माता में मां भादवा महारानी का लगभग 800 साल पुराना मंदिर है। मंदिर को प्रसिद्ध आरोग्य स्थल माना जाता है। देवी मां भादवा महारानी मालवा की वैष्णो देवी के नाम से विख्यात है। देवी माँ के प्रति अगाध आस्था व भक्ति के कारण माँ भादवा माता के दरबार में नववर्ष पर हजारों की संख्या में भक्तों के पहुँचने का अनुमान है। भक्तों की बड़ी संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और महामाया भादवा माता मंदिर प्रबंधन समिति ने नववर्ष के मौके पर विशेष इंतजाम किए हैं। मंदिर के अर्जुन पुजारी की माने तो मंदिर में नववर्ष पर दर्शन व पूजन की चलित व्यवस्था रहेगी। भक्तों को आसानी से और सुलभ दर्शन हो, इस दिशा में प्रयास किए गए हैं। भादवा माता मंदिर परिसर में एक प्राचीन बावड़ी है। इसके पानी को बेहद चमत्कारिक माना जाता है। मंदिर के अर्जुन पुजारी सहित अन्य भक्तों का कहना है कि इस बावड़ी के पानी से स्नान करने और सेवन करने से भक्तों को असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। मंदिर के गर्भ गृह में देवी मां के चरणों में लगभग 800 साल से अखंड ज्योत प्रज्वलित है। मंदिर की ज्योत की निरंतरता भी इसे चमत्कारिक बनाती है। देवी मां के साथ मंदिर में प्रज्वलित अखंड ज्योत के दर्शन व पूजन का भी विशेष महत्व है। देवी मां के दरबार को अलौकिक बनाने और रूप देने के लिए मप्र सरकार ने संकल्प लिया है। क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह परिहार की पहल पर जिला प्रशासन जन सहयोग से भादवा माता लोक के निर्माण को गति दे रहा है। मंदिर के अर्जुन पुजारी और सांसद प्रतिनिधि महेश गुर्जर बताते हैं कि देवी मां के दरबार में भक्तों की हर मन्नत पूरी होती है। देवी मां भक्तों की मुराद पूरी करती है। पहले यहां देवी मां के मंदिर में बकरों व मुर्गों को छोड़ने की परंपरा थी, लेकिन अब प्रशासन ने इस प्रथा को रोक दिया है। अब मंदिर में देवी मां के चरणों में केवल चांदी के बकरे व मुर्गे अर्पित किए जाते हैं। भक्त मन्नत पूरी होने पर देवी मां को लड्डू व मठरी का भोग लगाते हैं। अर्जुन पुजारी सहित मंदिर के अन्य पुजारी बताते हैं कि लगभग 800 साल पहले देवी माँ हमारे पूर्वजों के सपने में आई थी। उन्होंने कहा था कि मैं नियत स्थान पर भूमि हूँ, मुझे बाहर निकाल कर स्थापित करो। देवी माँ के आदेश को मानते हुए हमारे पूर्वजों ने नियत स्थान पर खुदाई की और देवी माँ की मूर्ति की स्थापना कर मंदिर का निर्माण कराया। तभी से देवी माँ भादवा महारानी विराजित होकर भक्तों के दुख दर्द दूर कर